पिता व्हीलचेयर ते है अते कोई काम कार नहीं कर सकता ते पर फिर भी घर का गुजारा ये दो धीआं कर रही नेगिया। सत श्री अकाल NRI पंजाबी TV देख रहे हो तुसी ते मैं वीरपाल शेरगिल। अज जिथे असी आए हाँ जिस परिवार के नाल असी अज गलबात करन जा रहे हैं उस परिवार की स्थिति देख के दिल बेहद उदास होया पर फिर एक वड्डा हौसला भी मिलिया ते इस परिवार की कहानी जान के बेहद हौसला मिलिया अते इस चीज़ नू देख के इस इंटरव्यू नू देख के अते इस परिवार के हालात देख के मैं लगता है कि उन्हां लोकां नू अकल जरूर आ जाएगी जेड़े कहिंदे ने कि साडे घर मुंडा ही होवे अते मुंडा ही अगे साडे घर की जो पीढ़ी हैगी जां फिर साडे माता पिता की देखभाल करेगा। उन्हां लोकां नू इन्हां धीआं ने झूठा पा दिता है जो कि जिन्हां दा पिता व्हीलचेयर ते है अते कोई काम कार नहीं कर सकता ते पर फिर भी घर का गुजारा ये दो धीआं कर रही नेगियां अपने माँ बाप की देख रेख दे नाल नाल पूरे घर का जिहड़ा खर्चा है वह चक रही ने ते उन्हां दे पिता नू की बीमारी हैगी इस बारे भी जाणांगे ते की उन्हां दे परिवार की स्थिति है इस सब बारे उन्हां तों जाणांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर की तुहानू प्रॉब्लम हुई सीगी जिहड़ा तुसीं हुण व्हीलचेयर ते हो? ये नर्वस सिस्टम कहते हैं जिन्हों न्यूरोलॉजी यानी कि नसा दिमारियाँ नसा कमजोर हो रही जी दिन प्रतिदिन ये रोज़ कमजोर हो रही है जी यानी कि पैर के गूठे तो चलिया जी अज मेरी गर्दन तक यानी कि मुझे बोलिया भी नहीं आता जी इन्ना ज़्यादा ये बीमारी फैल गई जी। कितना समा हो गया तुसी जदों तो व्हीलचेयर ते? 2015 च शुरू हुई थी जी। उस तो पहला की करते सी? उस तो पहला मैं कारपेंटर जी लकड़ का काम करते सी जी बहुत सोहना काम करते सी जी चार पांच मुंडे रखे हुए थे बहुत बढ़िया काम चलते थे जी। फिर हुण घर का गुजारा किवें चलता है सर? गुजारा तो पहला तो जी 2015 च जब बीमारी शुरू हुई है उदो मैंने एक लख का झटका लग्या भी हुण खर्चा किवें चलूगा फिर साडे पिंड दी संस्था जी रब सुख रखे सरदार जोधा सिंह जी साढ़े नाल खड़े ने वो भी आए हुए ने अज उन्होंने अपनी संस्था वालों परिवार का खर्चा चुकया जी सारा खर्चा किया जी उन्होंने तो बाकी जिते भी मैनू हॉस्पिटल के लेके जाते रहे PGI लेके जाते रहे बठिंडे लेके गए बहुत दूर तक लेके गए जी मैनू पर मेरा इलाज नहीं होया जी तो हूँ मेरी बेटी है जी जसप्रीत तो ये हूँ स्केच बना लगी है जी तो इन्होंने खर्चा चक लिया घर का जी। हम माण होंगे अपनी धियां पर भी मेरिया धियां ने रब ने मैं धियां की दात दी तो बहुत चंगा हो? हाँ जी बहुत माण है जी हूँ तो खुशी हो रही है हूँ तो जी मैं कुछ हो भी जाए तो भी मैं कोई फिक्र नहीं है जी हम क्योंकि हूँ तो माण इन्ना जी रब की कृपा नहीं है भी इन्हों कला बख्शी है रब ने तो बहुत सोहना काम चल रहा जी बाकी बहुत कृपा जी बहुत कृपा जी। मैं एक बार इन्हों बेटिया जो इन्हों सरदार साहब दिया बेटिया ने उन्होंने नाल भी गलबात करना चाहवागी तो उन्होंने वाइफ भी साढ़े नाल मौजूद ने गे उन्होंने सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। की नाम है जी? गिंदर कौर है जी। ते जदों हुण घर दे विच स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हैगी इन्हां दी स्थिति भी बहुत नाजुक हैगी ते फिर किवें फील हुंदा है किवें लगदा है जी भी कि रब ने रब तो कोई गिले शिकवे? रब तो जी ऐ आ बस भी परमात्मा इह जिहा वक्त किसे ते पावे ना भी आपां अरदास करदे आ बेनती करदे आ महाराज मूहरे भी कोई गल नहीं चलो जे पा भी दिता वक्त आपदियां बेटियां ने चक लिया कम बेटियां करदियां ने सारा कुछ अपनियां बेटियां मेहनत करदियां ने घर का खर्चा पता सब आप कर दियां ने ठीक। एक बेबी जी मैं थोड़े तो यह गल जानना जरूर चाहूँगी कि जदों पहला अपने ना जदों कुड़ियां हुंदियां नेगियां तां यह गल कह दित्ती जांदी है भी ये कित्थे जंपी इहने तां व्याह के किसी होर घरे चले जाना इहने किहड़ा साडा गाह सानू सामना गा सामू तां पुत जां नूं ही ते फिर उदों इदां दा हुंदा हुंदा सीगा जदों कुड़ियां होईयां सी? ना जी ना सानू कोई अफसोस नहीं हैगा भी साडे कुड़ियां सानू कदे करे ही नहीं ती इहनां नूं साडी भी कुड़ियां हो गईयां सानू तां इहनां नूं पुत्त दी मान बख्शिआ भी साडे घरे पुत्ते होए ने फिर हुण सारा खर्चा ये चक दियां? हाँ जी हाँ सारा कुछ लैना देना कि ले जाना आपके पापा नूं दवाई दवाउणी सारा कुछ आप ही कर दियां ने। मेरे नाल ओह धीआं भी मौजूद ने मैं उन्हां नूं कहांगी ते एक बार इधर आ जाओ ते एक बार तुसीं कम जरूर दसो अपने पहलां किहड़े किहड़े कम करदे हो तुसीं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ BA ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਫਰੋਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਕਸ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਕੈਚ ਵਰਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ 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 ਮਤਲਬ ਕੰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਸ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟ ਉੱਥੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਾਭੇ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਐਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਰਿੰਗ। ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੈਚ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਕੈਚ ਦੇਣਾ ਹੋ, ਦੇਣਾ ਆਸਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਦੀਪ ਧੂਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੰਮ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ
काम करांगे, साढ़े तो काम जिन्ना मर्जी ले लो, साढ़े काम दे हिसाब नाल सानू पैसे दो, बाकी असी फ्री दे विच मदद कोई नहीं लैनी हैगी। ये भी एक बहुत वड्डी गल हैगी, नहीं तो लोग मदद लैण नू बेवजह ही, जेकर किसी नू कोई तकलीफ भी नहीं हुंदी, खुद कमा सकते ने वो लोग भी मदद लैण नू बहुत उतावले हो जाते हैं। पर इन्हां दे वल्लों जिहड़ी गल कही गई है वह सुन के तो मैं खुद हैरान रह गई कि कहिंदियां नेगियां कि असी मदद नहीं किसी तो लैनी, असी कम करांगे, साढ़े तो कम लो, जिन्ना मर्जी लो, तो कम के हिसाब नाल पैसे दो। तो जेकर इस गल बारे मैं जसप्रीत थोड़े नाल गल करा कि अजकल तो मदद लैण नू लोग सोशल मीडिया से उंज ही अपनी वीडियोज़ वायरल कर देंगे नेगे भी सानू मदद की लोड़ आ, हालांकि कई उन्होंने जे 50% की गल कर लिए तो उन्होंने मदद की लोड़ भी नहीं होंगी हैगी। तो फिर तुम ये गल किमें कह रहे हो? हाथ पैर चलते नहीं, खुद कमा के खा सकते हैं, यही गल ही बस, यही गल टेढ़े पापा मम्मी ने ही सिखाया होया भी आपदे हाथ काम करके दसो नौ की किरत खानी आ, मांग के नहीं खाना है। जदों जसप्रीत थोड़े पापा की ये प्रॉब्लम शुरू हुई सी तो फिर की हालात सीगे घर दे? मैम सानू हौसला मतलब थोड़ा जा टुट गया सीगा, मतलब मेरे वीरे उन्होंने मतलब साड़ी मदद करी भी हौसला रखो, फिर हौली हौली मैनू मतलब 10th क्लास मैं थोड़ा जा ड्रॉइंग का सीख गई, फिर प्लस वन च प्लस टू लॉकडाउन लग गया सी, फिर मैं उतों ही चल पी, मेरा ड्रॉइंग का काम मतलब वधिया चलन लग गया सी, मैं हाथ च हाथ हो गया सी, गॉड गिफ्ट ही गॉड मतलब रब ने मदद की पूरी भी, एक जाना होया तो मैं इन्हों का हो ना करा भी कुछ तो कर हो। हुण दिल च इदां नहीं हुंदा हैगा भी तुहाडे पापा व्हीलचेयर ते ने ते घर दा खर्चा सारा तुहाडे दोवें भैणां दे सिर ते आगा, भी जे साडे पापा ठीक हुंदे उह काम कार करदे तां असीं होर वधिया अपनी पढ़ाई कर लैंदे, ते एडा दिमाग ते बोझ नहीं सी पैणा भी जिहड़ा हुण बोझ पै रिहा भी घर दी कमाई भी करनी हैगी ते अपना भी अगे इन फ्यूचर भी अपना देखणा। हांजी हुंदा मतलब पर हुण कर भी की सकदे आ, कि जिहड़ा कुछ होणा ती तां हो की रहि गिआ, मतलब हुण मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी आ, हुण मतलब पापा नूं बहुत हौसला हो गया अगे नालों। रब तो शिकवा नहीं हुंदा? रब तो हुण केड़ा शिकवाई, तुहानूं पता ही आ हुण केड़ा रब मूहरे कुछ चलदा गा, हुण रब दे बराबर तो खड़ नहीं सकते जाके। जेकर मैं घर के हालात दिखावा तो घर के हालात कोई बहुते चंगे नहीं है, बहुत मदद की इन्हों लोड़ है, पर फिर भी ये लड़कियां ये गल कहंदियां ने अपने मूँह बोल के कि सानू मदद नहीं चाहिए, साढ़े तो कम करवा लो, जिन्ना मर्जी करवा लो, तो असी कम करांगे उस हिसाब के नाल सानू पैसे दे दो। तुसी इन्हां दे पिता की हालत देख सकते हो कि वह व्हील चेयर ते नेगे ते कुछ भी कम नहीं कर सकते, तो इन्हां दी जेकर मैं बीमारी की गल करां तो इन्हां दी बीमारी शुरू किवें हुंदी है? मैम पैर दे गूठे तो ही मतलब ठोकर जी लगन लग गई सी, उपर नू मूवमेंट नहीं करते हैं पैर भी, उठते नहीं है बिल्कुल भी, नीचे नू ये मतलब हुंदा नीचे नू ही गिरते रहते ने। उस तो बाद फिर किसी डॉक्टर नू नहीं दिखाया? सारे जाए आई सारे किते, बस हुण मिले नहीं रहा कोई इलाज कोई भी। हाँ जेकर गल कर लिए कि इल बीमारी का भी नहीं पता लगता, जेकर इदा हो बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज भी हो जाता है, इलाज बारे भी कुछ नहीं पता। तो पिंड के कुछ मोहतवार व्यक्ति भी साढ़े नाल इतने मौजूद ने। सत श्रीकाल जी। सर की नाम है जी? जोधा सिंह जी। तो घर के इन्हों के घर के हालात बारे तो की उन्होंने प्रॉब्लम हैगी इन्हों लड़कियों के पिता उस बारे जानकारी? इन्हों मैडम 2015 थोड़ी जी पैर च प्रॉब्लम आई सी, उदों बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो वधदी 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 अगे वधी गई जी, उदों बाद कई थामें PGI च भी दिखाया जी, चंडीगढ़ तो अमर हॉस्पिटल भी दिखाया जी, हरियाणे चों भी दवाई लेके आते रहे, तो अड्डो अड्ड डॉक्टरों का कोई कुछ कहता से कोई नर्वस सिस्टम कोई ढूही च कोई डिस्क च कोई किस च, अज तक प्रॉपर पता ही नहीं लग्या जी भी बीमारी है की है की ना जी। फिर हुण की स्थिति हैगी परिवार की, तो हुण इन्हां दा इलाज कित्थों चल रहा? हुण तो मैडम वैसे देसी दवाई खा रहे ने जी, चलो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे ने कोई, तो बाकी जो कुड़ियाँ बस आशीनरियाँ बनाउंदियां ने बस इन्हां दे नाल टाइम पास हो रहा जी इन्हां दा। तो ये पिंड के कुछ मोहतवार व्यक्ति सन साढ़े नाल। तो जसप्रीत जेकर किसी ने थोड़े तो पेंटिंग खरीदनी हो फिर कोई अपना ऑर्डर देना हो एक बार अपना नाम पता जा फिर वो थोड़े नाल संपर्क किदा करन इस बारे जानकारी दे दो। फोन नंबर? हाँ जी फोन नंबर 9568252645, जसप्रीत कौर भविंदर सिंह की बेटी। ते वो थोनू फोन करके थोड़े नाल संपर्क कर सकते हैं। तो पेंटिंगा बहुत सोहनिया बनाउंदी है कुड़ी। तो आई डी हैगी जाऊ स्केचिस। इंस्टाग्राम आई डी? हाँ जाऊ स्केचिस।
जाऊ स्कैचिस इंस्टाग्राम आई डी हैगी फोन नंबर भी इन्होंने दसता आ। परिवार को मदद की बहुत लौड़ है पर वो आप ये गल कहंदियां नहीं कि सानू मदद नहीं चाहिए साढ़े तो कम लै लो जिन्ना चाहिए गा कम आप एक सीनरी बनवा के भी इस परिवार की मदद कर सकते हैं जो कि सानू बहुत लोड़वंद भी होंगी असं बनवाते ही रहने गे अक्सर अपने स्कैच वगैरह तो अजिहा कुछ कम करके भी आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं तो परिवार बेहद लोड़वंद है। अजिहा होर वीडियोज़ के लिए तुम जुड़े रहो NRI पंजाबी TV के नाल।